मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे सिटी पैलेस उदयपुर राजस्थान। सिटी पैलेस की स्थापना जो 15वीं शताब्दी में आरंभ हुई, इसे स्थापित करने का विचार एक संत ने राजा उदय सिंह द्वितीय को दिया था। इस प्रकार ये परिसर 400 वर्षों में बने भवनों का समूह है। ये एक भव्य परिसर है जिसे बनाने में 22 राजाओं का योगदान था। इस भवन में अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे राजपूत वंशियों ने जिस तरह से अपना पराक्रम दिखाया और कभी भी इन्होंने हार नहीं मानी और अपना पूरा का पूरा जीवन इन्होंने मुगलों से संघर्ष करते हुए व्यतीत कर दिया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। सिटी पैलेस को टच करती हुई पिछुला लेक है। पिछुला लेक का निर्माण पिछू चिड़ीमार बंजारे ने करवाया था, जो एक बंजारी कबीलाई लोग थे। उन्होंने इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में करवाया था। बाद में महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने उदयपुर सिटी के साथ साथ इस झील का भी विस्तार करवाया था। इस झील में दो निवास स्थान है, एक है जग मंदिर और एक है जग निवास, अब जो अभी होटल में परिवर्तित हो चुकी है। इस झील का मनोरम दृश्य इतना सुंदर है कि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस झील में आप 500 रुपए की टिकट कटाकर बोटिंग का भी मजा ले सकते हैं और अंदर महलों में जा सकते हैं। सिटी पैलेस काफी बड़ा महल है। इसके अंदर आप जाएंगे तो बहुत सारे आपको महल मिलेंगे इसके अंदर, और अंदर जाने के बाद आपका मन जो है ना आनंदित हो जाएगा। चलिए आइए चलते हैं सिटी पैलेस उदयपुर राजस्थान, और मैं हूँ आपका मित्र कृष्णा देवनाथ। तो मित्रों सिटी पैलेस के लिए हमने दो टिकट ले ली है, एक मेरे मित्र की और एक मेरी, और अंदर चलेंगे। प्रवेश अंदर को आपको दिखाएंगे क्या क्या चीज अंदर, आपको जो जो भी चीज है आपको एक एक चीज बारीकी से दिखाएंगे। सिटी पैलेस के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और सिटी पैलेस की जो टिकट है मैं आपको बता दूं 330 रुपए की टिकट है। यहाँ के साथ बैटरी वाली गाड़ी से भी आप कर सकते हैं, उसका थोड़ा किराया ज्यादा है। ये देखिए इसी गेट से हमने एंट्री की थी, अभी आइए। सिटी पैलेस में प्रवेश कर चुके हैं। प्रवेश द्वार के बिल्कुल बगल में ही, जस्ट बगल में खड़े हैं हम। देखिए सिटी पैलेस क्या नज़ारे। जल महल देखिए यहाँ पे, आप बोटिंग करके नहीं जा सकते, ऐसे नहीं जा सकते। ये जो आप जल देख रहे हैं, ये पानी बहुत ही साफ नीट एंड क्लीन है। वो देखिए यहाँ पे एक बोट भी आ रहा है। इसी तरह से हम बोटिंग करके अंदर जा सकते हैं। और प्लस यहाँ पर एक और महल है, वो देखो, एक और जल महल है। यहाँ पे दो दो जल महल है, एक है एक इधर है एक उधर है, एक ये वाला है एक उधर वाला है, दो दो जल महल है यहाँ पे। बहुत बड़े बड़े विशालकाय समुद्र आकार के यहाँ पर झील है। सिटी ऑफ लेक उदयपुर को ऐसे नहीं कहा जाता, क्योंकि यहाँ पर झीलों की कमी नहीं मिलेगी आपको, झीलों की नगरी इसलिए इसको कहते हैं। जहाँ भी आपको जाएंगे आपको झील झील ज़रूर मिलेंगे। इस सिटी पैलेस तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, जितने में आगे बढ़ रहा उतना ये बढ़ता जा रहा है। कितना बड़ा होगा देखिए, अंदर तो और बड़ा है, काफी बड़ा है, ये खत्म होने का नाम ही नहीं रहा। फुल पैसा वसूल, यहाँ पे आएंगे ना फुल पैसा वसूल। प्रत्येक भारत के नागरिक को या पूरे पृथ्वी के नागरिक को यहाँ पे आना चाहिए, भारत को छोड़िए वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देना चाहिए। जो तीसरे स्थल पे आ गए हम, देखिए ऊपर तक लोग है, तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। बाप रे, सिटी पैलेस की तीसरे मंजिल पर एक पार्क मिला, उस पार्क में हम बैठे हुए हैं। उदयपुर में आइएगा तो सिटी पैलेस जरूर दिख।
अभी ऊपर देखिए, एक मंजिल, दो मंजिल, तीन मंजिल, चार मंजिल और है। मैं तीसरे मंजिल पे खड़ा हूँ और तीसरे मंजिल पे पार्क है, ये देखिए यह पार्क है। पारंपरिक राजस्थान परिधान में कुछ लोग फोटो खिंचवा के आए हैं। सिटी पैलेस के ऊपर प्रवेश कर रहे हैं अभी, आइए देखते हैं ऊपर, आइए आपको दिखाते हैं ऊपर का नज़ारा। ये देखिए यहाँ से पिछोला झील का जो नज़ारे है, प्राकृतिक नज़ारे, देखिए आपको दिखाता हूँ, देखिए देखिए। सिटी पैलेस के तीसरी मंजिल पे आ गए, लेकिन सिटी पैलेस ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जितना मैं आगे बढ़ रहा हूँ उतना ही बढ़ता जा रहा है। मुझे नहीं लगता ये कि सिटी पैलेस है, मुझे लगता है ये एक शहर है, ये एक बहुत बड़ा मेट्रो सिटी है। इस पैलेस की मैं बात कर रहा हूँ, ये पैलेस जो एक मेट्रो सिटी लग रहा है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। सिटी पैलेस आप देख सकते हैं, क्या कहें आप, सिटी पैलेस आप देखिए, क्या कहें इसके बारे में, अतुलनीय, अकल्पनीय जिसे कहते हैं। 400 वर्ष में इसको बना के पूरा गया था मेवाड़ राजवंश द्वारा। देखिए अद्भुत नज़ारा, देखिए आप सिटी पैलेस का। आप गाड़ी से भी घूम सकते हैं, लेकिन उसका चार्ज कुछ ज़्यादा लगेगा। छोला लेक, बोटिंग का भी नज़ारा देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए आप बोट, और बीच में जो है ना जल महल। ये सिटी पैलेस का मध्य में स्थित एक बैठक हॉल है, जहां राजा अपने विशिष्ट लोगों के साथ बैठक का आयोजन करते थे और सलाह मशवरा करते थे। और यहां पर बहुत सारी शिलालेख भी हैं, आप इन शिलालेखों से बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं इनकी वंशजों के बारे में। सिटी पैलेस में के थर्ड फ्लोर में यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें हैं, यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। जो पारंपरिक राजस्थानी आइटम है यहाँ से आप ले सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। देखिए बुक्स अवेलेबल, म्यूजियम बुक शॉप। यहाँ पे सामने एक सिटी पैलेस का एक स्टूडियो भी है, यहाँ पे आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। यहाँ के जो लोकल परिधान है, लोकल कपड़े हैं राजस्थानी, वहाँ से इससे आप जो है ना फोटो खींच सकते हैं। झीलों की नगरी ऐसी नहीं कहते, आइए। सिटी पैलेस के ऊपर से आप राजस्थान, उदयपुर का पूरा सिटी आप देख सकते हैं। फिल्म बनी है सुल्तान, यहीं की तो बनी है मेवाड़ की।
सिटी पैलेस घूमते घूमते आज लगभग 4 घंटे हो गए, फिर भी सिटी पैलेस को हम ख़त्म नहीं कर पाए। तो आपको सिटी पैलेस अगर आना है तो सुबह आइएगा, शाम तक घूमिएगा, लगभग आपको 4 घंटे लग जाएंगे सिटी पैलेस घूमने के लिए। ये मेरे हिसाब से तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट होना चाहिए, लेकिन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ही नहीं है दुर्भाग्य से। कोई बात नहीं, नेक्स्ट हम देखेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसको यूनाइटेड नेशन द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया जाए, ये हमारे लिए बहुत ही भाग्य की बात होगी। चलिए आइए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।